गुड आफ्टरनून क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट पाँच का अब रिवीजन करेंगे। जो एक कविता है जिसका नाम है पापा के दो हाथ। मेरे भी हैं दो दो हाथ, भैया के भी दो दो हाथ, पापा के भी दो दो हाथ, पर उनकी कुछ और है बात। इन हाथों से मेरे पापा चिकनी मिट्टी करते हैं, इन हाथों में कलम थाम कर संग संग मेरे पढ़ते हैं। इन हाथों से सेक सेक कर कभी बनाते नरम सी रोटी, कभी चढ़ाते मुझे प्यार से खींच खींच कर मेरी चोटी। इन हाथों को पकड़ पकड़ कर मैंने चलना सीखा है, इन हाथों की खुशी से ही दुनिया भर को देखा है। लेकर इन हाथों का सहारा पेड़ों पर चढ़ जाती हूँ, रात को इन हाथों की थपकी से ही मैं सो जाती हूँ। मेरे पापा के दो हाथ, पर उनकी कुछ खास है बात। देखिए कैसे वो पापा के साथ पढ़ भी रही हैं और उसके पापा भी पढ़ रहे हैं और वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी कविता है पापा के दो हाथ। तो आपको ये जो कविता मैंने पढ़ाई है इसलिए पढ़ाई है क्योंकि ये आपको याद भी करनी है और लिख कर भी देखनी है, और क्योंकि कविता की पंक्तियाँ लिखने को आती हैं परीक्षा में इसलिए। अब हम इसके शब्द अर्थ याद करेंगे, पहला शब्द और शब्द है चिकनी फिसलने वाली, गढ़ना आकार देना, कलम पेन थाम कर पकड़ कर, सेकना आग पर पकाना, चढ़ाना तंग करना, सहारा मदद, खास सबसे अलग विशेष। अब इसके इमला शब्द हैं जो आपको लिखकर भी देखने हैं और शब्द अर्थ भी आपको लिखकर ही याद करने हैं। बोल बोल कर पहले तो नहीं याद करिए, फिर लिखकर देखिए। पढ़ते, पढ़ते में देखिए पापा तंग है, ढाल ढक्कन के नीचे बिंदी है और तार तरबूज पर एक ही मात्रा है। पकड़ कर खिड़की, बहुत सारे बच्चों ने खिड़की में दो बार का कबूतर लगाया है लेकिन आपको सिर्फ एक ही का कबूतर बनाना है इसमें और उस पर बड़ी की मात्रा लगानी है। थपकी, पांचवें नंबर पर बालिका, छठवें नंबर पर मिट्टी। तो ये आपके इमला शब्द और शब्द अर्थ हैं, इनको आप लिख कर देखिए और याद करिए।